Hello guys, good morning. My name is DK Sharma. Welcome to DK English Pathshala. चलिए आज के सुबह की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक विचार के साथ. तो आज का विचार क्या है? आज का विचार है, You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your some habits will change your future. यह विचार हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के नाम से विख्यात श्री APJ अब्दुल कलाम साहब का है. गाइस, हम रोज़ कुछ ना कुछ कार्य तो करते ही हैं. इनमें से कुछ कार्य हमारी आदतें बन जाती हैं और यही आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत पड़ गई तो आप एक अच्छे अकेडमिशियन या फिर साहित्यकार बन सकते हैं. इसी प्रकार से और भी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं जो आपको सुनहरे भविष्य का दरवाज़ा दिखा सकती हैं. इसलिए कलाम साहब का मानना है कि वैसे तो हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन यदि हम अपनी आदतों को धीरे धीरे बदलें तो ये आदतें निश्चित रूप से हमें एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सकती हैं. सुबह जल्दी उठने की आदत आपको दूसरे लोगों की अपेक्षा जीवन में ज़्यादा समय देगी, लेकिन व्यसन करने की आदत धीरे धीरे जीवन का नाश कर देगी. व्यायाम करने की आदत आपको स्वस्थ बनाएगी, तो ज़्यादा जंक फूड खाने की आदत हमें बुरे स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी. इसलिए अच्छी आदतें पालिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए, और आपका भविष्य भी सुनहरा होगा. चलिए आज के नॉलेज डोज की तरफ चलते हैं. आज के कौन कौन से दो शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. पहला शब्द है प्रीडिसेसर. इसका अर्थ होता है वन हु वॉज इन पोजिशन बिफोर अनदर ऑफिसर ज्वाइंट. और इसका दूसरा जो इसका अपोजिट होता है वो होता है सक्सेसर, वन हु विल टेक पोजिशन आफ्टर अनदर ऑफिसर लीव. यानी किसी पोस्ट पर, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट का जिला कलेक्टर होता है, उससे पहले वाला जो व्यक्ति जो जिला कलेक्टर था वो उस व्यक्ति का जो वर्तमान में जिला कलेक्टर है उसका प्रीडिसेसर कहलाएगा, और अभी जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके बाद में आने वाला व्यक्ति उसका सक्सेसर कहलाएगा. तो आशा है ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.